नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है राम मंदिर पे। उसके लिए पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट के ज़रिए बहुत सबको शुभेच्छा दी थी, शुभकामनाएं दी थी कि ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों राम मंदिर और जो मस्जिद का हमारा चल रहा था उसमें बहुत अच्छा फैसला दिया है कोर्ट का हम सराखों पर हुक्म। दूसरी बात दोस्तों, बात करें तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से उत्तर प्रदेश बिल्कुल चल नहीं पा रहा है दोस्तों। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के, हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उसी टाइम अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी दोस्तों कि योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ना उनसे उत्तर प्रदेश संभल रहा है, ना कि जबकि उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव खुद अकेले संभालते थे जब उनकी सरकार थी। अभी ये टाइम हो चुका आ गया है दोस्तों कि अखिलेश यादव जी ने कल वही प्रेस वार्ता में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब ऐसा बोला जाता था कि 2.5 मुख्यमंत्री है, पर तुम्हारा तो 3 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री। बाबा जी तो दूसरे सब जगह प्रचार में से ऊपर नहीं आते, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो अगरबत्ती और धूप दिए में निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है योगी सरकार से, भाजपा सरकार से, कि हाहाकार मच गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें 3 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। वही एक जनता ने अखिलेश यादव जी को एक मैसेज दिया है कि समाजवादी पार्टी अकेले अपने बलबूते पे लड़ेगी तो जनता उनके साथ है। हमने 3 इलेक्शन लड़े, 3 चुनाव लड़े, वो भी किसी के साथ गठबंधन करके, पर इस बार समाजवादी पार्टी अकेली उतरी थी और अपना दम दिखाया दोस्तों। महाराष्ट्र में भी 2 सीट जीत के आए दोस्तों। अभी उत्तर प्रदेश में एकदम जंगल राज हो गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल योगी सरकार के काबू में नहीं है प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नमस्कार।